अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं भाई साहब सियालकोट और मैं हूं नदीम गोरी। सियालकोट के खूबसूरत नज़ारे आज आपको करवाते हैं। सियालकोट में धुंध इस कदर है कि हद निगाह सिफर हो चुका है। और आपको एक मजे की बात बताऊं, अगर मैं कहूं कि आपको घंटाघर गायब हो गया है तो वाकई आपको लगेगा कि घंटाघर तो वाकई गायब हो गया है, क्योंकि हम लोग घंटाघर चौक में ही मौजूद हैं। यहाँ पर लोग खूब से खूब तर धुंध में इंजॉय करते, दोस्तों के साथ खाते पीते नजर आ रहे हैं। आज आपको मजे का सियालकोट का विजिट करवाते हैं। अमेरिका की जो ना वो जो कमी महसूस हो रही थी ना, इस वेदर को देख के मेरी आंखें खुल गई हैं। अच्छा, I really enjoy it, love it. किस तरह एंजॉय कर रहे हैं? ये मौसम जो इसमें ठंडक है, तो बहुत ज्यादा ठंड होती है ना। आप मुझे ये बताएं कि आपकी जो भी तस्वीर देखे उसमें खाबे होते हैं, कुछ ना कुछ खा भी रहे हैं। आज किस तरह एंजॉय किया, क्या खाया? आज तो मैंने बस हल्का फुल्का से, मुझे लग रहा है कि मैं इस वक्त जो है ना किसी अमेरिका के किसी शहर में ही हूँ। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त, लेकिन ऐसा जबरदस्त मौसम भाई, पीछे देखे वो नजर भी नहीं आ रहा। बिल्कुल, घंटाघर भी नजर नहीं आ रहा। मैं तो डर रहा था कि बाहर नजर कुछ नहीं आ रहा, ये जबरदस्ती लेके आया मुझे। रात के इस वक्त तकरीबन 12 के करीब होने वाला टाइम, और हम लोग जब मौसम इस तरह का जबरदस्त, घंटाघर दिखाई दे मेरे ख्याल से लोगों को, घंटाघर नजर ही नहीं आएगा ना। चौक आपको दिखाते हैं, इतना मजे का एंजॉयमेंट, आपने शहर सियालकोट में ऐसे नजारे कभी नहीं देखे होंगे। तो खा पी क्या रहे हैं मुबीन भाई, आप बताएं आपने क्या खाया और क्या दोस्तों को खिलाया, ये बताएं। ये इतने मजे का मौसम है तो इस मौसम में जो है मछली वो तो लाजमी डिश थी हमारी। हाँ भाई, आप बहुत अच्छा हंसते हैं। सर ये क्या कहेंगे जी, प्यारी प्यारी बातें इनकी सुन के हंसी आता है। पंजाबी बोल लो, सही जी। दसो सर जी, सर क्या खाया आपने? मुबीन भाई के साथ आए हैं, और मुबीन भाई ने क्या खिदमत की आप? सर ये हम ना सारे दोस्त भाई निकले हुए थे, चांद भाई ने स्पेशली हमारी दावत की, हम फिश खा के आए हैं। ये फूल भट साहब है नी हमारे, बड़े अच्छे कुक हैं, आपने इनको लाइव कुकिंग करते हुए देखा होगा। भट साहब आप बताएं भाई। हाँ जी, क्या? हाँ जी बताएं, कैसा मौसम है? पूछे क्या मौसम कैसा है भट साहब? मौसम बहुत अच्छा है जनाब, एंजॉय कर रहे हैं बहुत ज्यादा मौसम को। काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, इनके सर पे थोड़े से बालों की कमी थी, उस वजह से इनको ठंड लग रही है, तो वो बालों की कमी भी पूरी कर रहे हैं भट साहब। बंदे ने कहा तो मैंने 3 खाने। और इंशाल्लाह अगले साल आपको बाल भी लगवा देंगे, कोई मसला नहीं। ये धुंध का जो मौसम है, ये साल के चंद दिन है और हम सब दोस्त एंजॉय करने के लिए निकले हैं। बहुत अच्छा मौसम है, बहुत प्यारा मौसम है, दिलकश नजारा है, बहुत अच्छा है। अहमद बारिश कर दो। आज 12 बजे का इस वक्त लगभग टाइम है, तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मौसम की जो मुताबिकत थी ना उसके मुताबिक हमने आज फिश खाई है, ग्रिल फिश शहजाद टिक्के से, और शाहपुरा से ग्रिल फिश खाई है, और बारबेक्यू में पाशा बोटी हमारे अरसलान भाई को बड़ी पसंद है, इस वजह से वो खा के तो अभी हम लोग जो है लोग अब ग्रीन एक, एक राउंड भी मुबीन भाई इनको लगवाएं ना हमारे नाज़रीन के लिए। असल में हम लोग घंटाघर चौक में आए थे और यहाँ पे ऐसी कुदरत, अल्लाह ताला की कुदरत के हसीन नज़ारे देखने को मिल रहे हैं कि बस बयान से बाहर ना। जो लोग इस वक्त घरों के अंदर बैठे हुए हैं रजाइयों के अंदर या सोए हुए हैं, वो इस प्यारे से मौसम को मिस कर रहे हैं। हम तो चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी को एंजॉय करने के लिए ही शायद पैदा हुए हैं, तो इस वजह से हम लोग तो 11 बजे के करीब जब धुंध शदीद हुई है तो हम सारे दोस्त जो हैं वो आपस में बाहर। घंटाघर चौक से हम लोग चलेंगे अभी आपको लेकर सियालकोट शहर की तरफ, तो शहर के भी नज़ारे करवाते हैं कि वहाँ पर क्या हालात है, क्या वाकयात है, लोग किस तरह इंजॉय कर रहे हैं, क्या लोग सर्दी से डर कर घरों में बैठ गए या फिर लोग इंजॉय कर रहे हैं। ये गाड़ियां गुजर रही हैं, ट्रैफिक अपनी मंजिल की जानी भी रवाना है। अरसलान भाई साइड पे हो जाएं भाई। नहीं जी, ये घंटाघर चौक में भी इस तरह ट्रैफिक और रश देखा जा सकता है, लोग अपनी फैमिलीज को लेकर आए हुए हैं गाड़ियों में, बहुत इंजॉय किया जा रहा है। तो मुबीन भाई अभी हम अगर गाड़ी चलते हैं, मुबीन भाई ड्राइव करेंगे और हम इनके साथ चलेंगे ताकि हम खूब इनकी क्यादत में खूब इंजॉय कर सकें। मुबीन भाई बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।